हेलो बच्चों, 5:11 पढ़ेंगे आज। 5:11 ठीक है। देखिए, आप लोगों को इसको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई महसूस होगी, लेकिन कठिन समझना नहीं है। और ये आप लोगों को लगेगा कि भाई क्या क्या लिखा हुआ है, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं सोचना है। पढ़ना धीरे 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 पढ़ोगे, एक एक अक्षर को पढ़ोगे तो पढ़ना आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इसका जो अर्थ है मैं आप लोगों को समझा दूंगी, बाद में लिखवा भी दूंगी। अभी आपको मैं इसको पढ़ाने जा रही हूँ। गिरिधर की कुंडलियाँ, गिरिधर कवि का नाम है, और ये कुंडलियाँ जो कुंडलियाँ होती है ना, जैसे कविता कवि कविता लिखते हैं, दोहा दोहा होता है, कविता होता है, कवित्व होता है, पद होता है, वैसे ही कुंडलियाँ हैं। तो ये जो भी लिखते थे, अब ये कुंडलियाँ क्यों है, कैसे है, या आप बड़े क्लास में जब जाएंगे तो पता आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। बस आप लोग अभी इसको पढ़ना है, इसको याद करना है, और इसका अर्थ मैं आपको समझाने जा रही हूँ, ठीक है। तीन कुंडलियाँ है इसमें, पहला दूसरा और तीसरा। तो अभी सबसे पहले हम पहले का भाव मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिससे पहला भी क्या है, ये शुरू के दो शब्द है और आगे के दो तीन शब्द है। तो बीती ताही यहाँ से लेकर के बीती सोती थी। सुनिए ध्यान से, मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, आपको भी धीरे धीरे पढ़ के इसको समझना है और उच्चारण करना है, ठीक है। बीती ताही विसार दे आगे की सुधी ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। ताही में चित दे बात जोई बनी आवे, दूरजन हसे न कोई चित्त में खता न पावे। कह गिरिधर कबीराय यह कर्मन पर प्रीति, आगे को सुख समझी हो बीती सो बीती। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे पढ़ने से, अगर जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग धीरे धीरे इसको पढ़ना है, जैसे मैंने पढ़ा था, ठीक है। जैसे बीती ताही विसारी दे, अब इसके एक एक लाइन में आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। एक एक लाइन ध्यान से देखिए। बीती ताही विसारी दे आगे की सुधि ले, कवि गिरिधर, कवि का नाम क्या है, गिरिधर। कवि गिरिधर कहते हैं, जो बीत गया उसे भुलाकर आगे की सोचो, है ना। बीती ताही विसारी दे, जो बीत गया उसको भुला देना है, आगे की सुधि ले, हमें आगे के बारे में सोचना है। जो बीत गए बीते हुए चीजों को लेकर हम रोना रोते रहेंगे, है ना, अरे ऐसा होता पैसा होता ऐसा होता ऐसा हो, तो हमें कभी भी सुख नहीं मिलेगा। बीती बातों को अगर याद करते रहेंगे तो हम सुखी कभी नहीं होंगे। तो हमें उसको भूल जाना है, बीते हुई क्षणों को, बीते हुए पलों को, बीती हुई बातों को भूल करके हमें आगे की सोचना है, ठीक है। आगे की सोचेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। दूसरा लाइन देखिए, दूसरी पंक्ति, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। कभी आगे कह रहे हैं, जो सहज में, जो स्वाभाविक हो, सहज मतलब स्वाभाविक, जो स्वाभाविक या जो सहज में हो सकता है उसी में अपना मन लगाओ, जो आसानी से, जो स्वाभाविक है, ठीक है, जो स्वाभाविक है और जो हम आसानी से कर सकते हैं उसी में अपना मन लगाना चाहिए। ताही में चित नहीं मतलब उसी में अपना मन लगाना चाहिए। तीसरी पंक्ति देखो, ताही में चित दे बात जोई बनी आवे, जिसमें मन लगता है ना, ये ताही में चित दे जिसमें हम अपना मन लगा सकते हैं, उसी काम को करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, है ना। बात जोई बनी आवे मतलब बनी बात जो बनी आवे, जो काम करना चाह रहे हो, जिस काम तुम्हारा मन लग रहा है उसी में अगर ध्यान दोगे तो वो काम जरूर सफल होगा, उस काम में जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी, जो भी करना चाहता है, ठीक है। लेकिन उस काम को सफल बनाने के लिए हमें उसमें मन लगाना आवश्यक है। अगर तुमको फर्स्ट आना है क्लास में, प्रथम आना है, तो मन लगा के पढ़ाई करोगे, हर एक चीज को पढ़ोगे, एक एक चीज की जानकारी लोगे, ठीक है, चाहे तुम हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित, मैथ में, साइंस में, मन लगा के पढ़ोगे, एक एक शब्द को जानोगे, एक एक वर्ड शब्द का अर्थ खोजने की कोशिश करोगे, तो क्यों नहीं तुम प्रथम आओगे, जरूर आओगे, ठीक है। इसमें मन लगाना आवश्यक है। चौथी पंक्ति देखो, दुर्जन हंसे ना कोई चित्त में खता ना पावे। आगे कभी कहते हैं, इससे नहीं दुष्ट प्रवृत्ति के, दुर्जन दुष्ट प्रवृत्ति के, दुष्ट व्यवहार वाले लोग जो बहुत बुरे होते हैं, किसी के साथ बुरा चाहते हैं,
ठीक है। इससे न ही दुष्ट प्रकृति के लोगों को तुम पर हंसने का मौका मिलेगा और न ही तुम्हारे मन में कोई दुख होगा। अगर तुम मन में तुम्हारे जो है उसको करने की कोशिश करोगे, ठीक है, और सफलता भी मिलेगी। और इससे क्या होगा, दुर्जन जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनको तुम्हारे ऊपर हंसने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, और तुम्हें भी दुख नहीं होगा। चित्र में खत्म ना पड़, खत्म मतलब दुख, और तुम्हें भी दुख नहीं होगा कि तुमने ये काम नहीं किया, ठीक है। कह गिरिधर कवि राय यही कर्मन पड़ती थी। कवि कहते हैं पड़ती थी ना, मतलब देखो विश्वास करना। कवि आगे कहते हैं, कवि गिरिधर कह रहे हैं कि इसलिए कवि गिरिधर का कहना है कि जो मन में है, जो मन कहे, तुम्हारा मन जो करने के लिए कह रहा है, जो मन कहे उसी में विश्वास करो, उसके अलावा किसी में। तुमको विश्वास है मैं ये काम अगर करूंगा, ठीक है, किसी को बताए बिना पहले काम करूंगा फिर बताऊंगा, तुमको विश्वास है उस काम में तुमको सफलता मिलेगी, ठीक है, तभी तुमको वो काम करना चाहिए। आगे को सुख समझी हो विधि सो विधि। कभी आगे कहते हैं कि आगे जो होगा वो अच्छा होगा, आगे को सुख समझी, जो आगे जो होगा वो अच्छा होगा यह सोच कर आगे बढ़ो। हमें ये सोच रखना है, हमेशा सकारात्मक सोच रखना होता है। अगर हम नकारात्मक सोच लेके चलेंगे कि भाई अगर अभी जिस स्थिति में हम लोग अभी हैं, अगर अरे नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर हम कभी भी स्कूल नहीं खुला तो क्या, नहीं, सकारात्मक सोच संभल के रखना है, सकारात्मक सोच रखना है। नहीं, मुसीबत अगर आई है तो मुसीबत एक दिन टल जाएगी, समस्या है तो समाधान भी है, ठीक है। तो कभी इसलिए कभी कह रहे हैं आगे जो होगा वो अच्छा होगा यह सोचकर आगे बढ़ो। हमें यही सोचकर आगे बढ़ना है, जो आगे होने वाला है वो अच्छा होने वाला है, ठीक है। बीति सो बीति, जो बीत गई उसके बारे में सोचना छोड़ दो, हमें बीती हुई बातों को याद नहीं करना है, उसे भुला कर आगे बढ़ना है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। इसको तुम लोग सुन लेना, बार बार सुन लेना, नहीं तो इसमें इसका भावार्थ भी लिखवा दूंगी, ठीक है। अब दूसरी कुंडली है, देखो दूसरी कुंडली में क्या है, साय अपने से लेकर के नहीं साय। मैं भी इसको धीरे धीरे आराम से पढ़ के सुना रही हूँ। साय अपने चित्त की भूली न करिए कोई, तब लग मन में राखिए जब लग कागज होई। जब लग कागज होई भूली कबूल नहीं करिए, दूजन हसे न कोई आप सेरे हो रहिए। कह गिरिधर कवि राय बात चतुरंग की ताई, करतू की कही देत आप कहिए नहीं साई। तो कवि गिरिधर कहते हैं पहले देखो कि अपने मन की बात अपने मन में ही रखिए, साई अपने चित्त की भूली न कहिए कोई, अपने मन में ही रखनी चाहिए, भूल से भी किसी को बतानी नहीं चाहिए जो बात तुमने सोचा है, ठीक है। तब लग मन में राखिए जब लग कारण होए, तब तक उस बात को अपने मन में रखो, तब तक रखो जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता है, ठीक है। जब लग कारज होए भूली कबूल नहीं कहिए, जब तक तुम्हारा काम न हो जाए, जब तक तुम्हारा काम न हो जाए भूल से भी वो बात किसी को नहीं कहना है, ठीक है। जब तक काम नहीं हो जाए तब तक वो बात भूल से भी किसी को नहीं कहना है। दूजन हंसे ना कोई आप सेरे होए रहिए, तुम शांत बने रहोगे। सियरे, सियरे मतलब होते शांत, ठीक है, होए रहिए मतलब शांत रहना। तुम शांत बने रहोगे तो लोगों को तुम पर हंसने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। दुष्ट प्रवृत्ति के दूजन, दूजन हंसे ना कोई, आप जब तक तुम शांत रहोगे तो दूसरों को तुम पर हंसने का मौका नहीं मिलेगा, दुष्टों को, दूसरे लोग होते ना बुरे विचारों वाले, ठीक है। कह गिरिधर कवि राय बात चतुरंग की ताई, कवि गिरिधर कहते हैं समझदार लोगों से यह, यहाँ पर चतुरंग मतलब समझदार होते हैं, चतुरंग का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, तो समझदार के लिए कह रहे हैं, तो समझदार होते हैं कि कवि गिरिधर समझदार लोगों से यह कह रहे हैं कि जब कार्य हो जाए, है ना, आगे क्या है, करतूति कहीं देत आप कहिए नहीं साई। जब कार्य हो जाएगा, जब कार्य हो जाएगा तो सबको अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन तुम किसी से
मत कहो, तुमने जो काम सोचा है ठीक है। मान लो कभी कभी होता है ना स्कूल में हंसी मजाक के पात्र बन जाते हैं, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगी ठीक है, लेकिन जब वो काम नहीं होता हा 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 देखो देखो इसमें ये इतनी बड़ी बड़ी नीयत आती थी, ये करूंगा वो करूंगा लेकिन कुछ नहीं हुआ, देखो सब नीचे चला गया। हंसी का पात्र नहीं बनना है, जो काम मन में सोचा है करने की, भाई नहीं मैं पहले ये काम पूरा करूंगा या करूंगी, उसके बाद कहने खुद से कहने की जरूरत क्या है, लोग अपने आप देखेंगे ठीक है। तो यही कभी कह रहे हैं कि जो समझदार लोगों से, समझदार मूर्खों से कहना बेकार है ठीक है, समझदार लोगों से यह कह रहे हैं कि जब कार्य हो जाएगा तो सबको अपने आप पता चल जाएगा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है ठीक है। क्लियर है ना, इससे आसान तरीका नहीं है, एक एक लाइन में समझाया हुआ है ठीक है। अब देखो तीसरा तीसरी कुंडली में क्या है, बिना विचारे जो बिना विचारे, तीसरी कुंडली आराम से, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आप लो जग में हो हंसाए, जग में हो हंसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग मन मन ही न भावे, कह गिरिधर कबीराए दुख कछु डरत कटारे, खटकत है जिए माही कियो जो बिना विचारे। तो कवि गिरिधर जी कहते हैं कि बिना सो बिना विचारे जो करे ठीक है, बिना सोचे समझे तुम कोई काम करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा है ना, बिना विचारे जो करे वो पछी पछताए, बिना विचारे बिना सोचे समझे नहीं, किसी का देखा देखी अगर हम वो काम को करने लगेंगे तो क्या होगा, वो काम उसने कर लिया है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरा मेरा ध्येय मेरा मंजिल अलग है, मेरी सोच अलग है, तो मैं उसकी देखा देखी क्यों करूंगा, अपनी सोच रखनी चाहिए ठीक है। तो बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो बाद में हम पछताएंगे। काम बिगाड़े आप लोग जग में बहुत हंसाए, इससे क्या होगा तुम्हारा काम तो बिगड़ ही जाएगा और साथ में तुम्हारी हंसी भी उड़ेगी है ना, जग में बहुत हंसाए काम तो बिगड़ जाएगा और दुनिया वाले तुम पर हंसने लगेंगे। जग में हो हंसाए चित में चैन न पावे, और जब तुम्हारी हंसी उड़ेगी, जब तुम मजाक के पात्र बनोगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तब क्या होगा, तब तुम्हारा मन को चैन नहीं मिलेगा, तुम्हारे मन को है ना, किसी के भी मन को, जब हमारे अपमान होता है हंसी उड़ती है तो मन में चैन नहीं पड़ता है ठीक है। तो न तो किसी खाने पीने की इच्छा होती है, न सम्मान की इच्छा होती है, न किसी मनोरंजन की इच्छा होती है, राग मतलब होता है मनोरंजन ठीक है, किसी भी चीज में हमें रुचि नहीं होती है, हम एकदम से जैसे कि दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया ऐसा लगता है ठीक है। खान पान सम्मान सब वही है कि तुम्हारा मन जो जग में बहुत हंसा है जित में चैन न पावे, तुम्हारा मन तुम्हारे मन को चैन नहीं मिलेगा तो तुम्हारी हंसी उड़ेगी और न ही खाना पीना सम्मान राग रंग में तुम्हारा मन लगेगा ठीक है, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आगे कह रहे हैं कह गिरिधर कबीराए दुख कछु डरत नटारे, कवि कहते हैं कि बिना विचारे किए गए कार्य की असफलता, कह गिरिधर कबीराए दुख कछु डरत नटारे, बिना सोचे समझे किए गए कार्य, अगर हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो कार्य की असफल, फिर हम असफल तो होंगे ना, बिना सोचे समझे अगर काम करेंगे तो उसमें असफल हो जाएंगे, और उसमें असफल होंगे तो क्या होगा, असफलता टली नहीं क्योंकि तुमने कोई प्लानिंग नहीं की उस काम को करने की ठीक है, और सब कुछ सोचा नहीं कि क्या करना है, तब आके उस काम को करने के लिए आगे बढ़ गए ठीक है, तो उसमें सफलता मिलना असंभव है। कभी कहते हैं कि बिना विचारे किए गए कार्य की असफलता मन में खटकती ही रहेगी है ना, खटकत है जिए माही क्यों जो बिना विचारे, वो जब हम असफल हो जाते हैं तो मन में हमेशा बुरा लगेगा, बुरा खटकत का मतलब बुरा भी होते, हमें हमेशा बुरा लगता रहेगा या वो बात हमेशा खटकती रहेगी कि मैंने सोचे समझे बिना वो काम को क्यों किया, उस काम को मुझे नहीं करना चाहिए था, तो इससे सब काम नहीं करे है ना। फिर आगे कहते हैं इस दुख को तुम चाहो तो भी कभी नहीं दूर कर पाओगे, बिना सोचे समझे किए अगर काम को काम में अगर हमें असफलता मिलती है तो वो बात वो चीज वो बात मन को चुभती रहती है कि मैं असफल हो गया, तो इस दुख को हम चाहे भी को कभी उससे उबर नहीं पाएंगे ठीक है। खटके यही है कि कभी कहते हैं कि बिना विचारे किए गए कार्य की असफलता
खटकती ही रहेगी, इस दुख को तुम चाहो तो भी कम नहीं कर सकोगे। हम चाह करके भी दुख को कम नहीं कर सकेंगे, हमेशा इस बात को ये बात मन में खटकती रहेगी कि मैंने ये काम क्यों किया, मुझे करना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ये पाठ यही है, तीनों है, तीनों का अर्थ मैं भावार्थ में लिखवाऊंगी, आप लोगों को लिखना है कॉपी में, फिर चेक भी कराना है। ठीक है, ये नहीं चेक नहीं कराओगे लेकिन लिखना जरूरी है। तो इसमें क्या माइंड मैप क्या दिया हुआ है, पहली कुंडली क्या बताती है, पहली कुंडली में बीती बातें भुलाकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी कुंडली बताती है अपने मन की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, पहले अपने मन पहले अपना काम करो फिर वो काम दुनिया में अपने आप फैल जाएगा कि हाँ इसने अच्छा काम किया है। तीसरी कुंडली बताती है बिना विचारे काम करने से भविष्य में पछताना पड़ता है और लोगों की हंसी का पात्र बनना पड़ता है। सोचे समझे बिना हमें कोई काम नहीं करना है, बिना सोचे समझे अगर हम काम करेंगे तो हम उसमें असफल हो जाएंगे और लोगों की हंसी का पात्र बन जाएंगे। ठीक है, अब ये सब बात आपकी बुक में भी दिया हुआ है, बुक में आपको याद करेंगे। अब ये पाठ मैं यही खत्म।